Good morning, dear friends. Welcome to our English class. Okay, so in previous period, dear students, we have talked about unit number 6, a poem written by Ken Nesbitt. I played a game, and in that poem, we have talked about what type of games are played and enjoyed by the students. Okay, also they loved their school as well. Okay, now let's do before going to the question answers and spelling and vocabulary part, we are going to do this learning grammar portion first. Okay, so please open page number 45, and whatever I am telling you, please just listen carefully and try to understand it. So dear students, today we are going to talk about verbs in the simple past tense. Okay, so hum aaj baat karne wale hain simple past tense ki. Okay, to simple past tense mein dosto jo verb hota hai वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है और वर्ब का सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं. ओके, पास्ट टेंस मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म. नाउ ये वर्ब हमें क्या बताता है सिंपल पास्ट टेंस में. वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस टेल अस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, मतलब भूतकाल में बहुत पहले ही हो चुकी घटनाओं के बारे में ये वर्ब हमें बताएगा. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या होता है, जैसे गो है तो गो का वेंट हो जाएगा, डू है तो डिड हो जाएगा, रन है तो रैन हो जाएगा, कम है तो केम हो जाएगा, वॉक है तो वॉक्ड हो जाएगा. सो कहीं पर वॉवेल्स बदलते हैं तो कहीं पर डी लगता है, कहीं पर ईडी लगता है. कैच का कॉट हो जाएगा, स्पीक का स्पोक हो जाएगा. ओके, सिंग का सैंग हो जाएगा, रिंग का रैंग हो जाएगा. तो इस प्रकार से दिस इज कॉल्ड द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अभी हमें दोस्तों यहाँ पे ये एक्सरसाइज दिया है, एंड वी हैव टू कंप्लीट दिस स्टोरी बाय फिलिंग सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, लेट्स डू इट. ऑन संडे डैड, मॉम, माय सिस्टर, ओके, पिया एंड आई. अब गो है तो गो का पास्ट टेंस हम यूज करेंगे. ओके, सॉरी, सो इट इज वेंट. ओके, गो का पास्ट टेंस वेंट. And I went to the mall. We has का past tense had. Okay. So we had tickets for the film Shrek. After the film, we decide का हो जाएगा decided. Okay. Decided to have lunch at a restaurant. The Chinese restaurant we choose. चूज का हो जाएगा चूज, पास्ट टेंस. ओके, वॉचफुल वी वेट, वेट बिकम्स वेटेड, इसका पास्ट टेंस होता है वेटेड, ईडी लगता है. ओके, वेटेड आउटसाइड फॉर अबाउट 15 मिनट्स, एट लास्ट वी गेट अ टेबल, गेट का पास्ट टेंस गॉट अ टेबल. देखिए दोस्तों, ये सभी स्टोरी पास्ट टेंस में, मतलब पहले ही घटित हो चुकी है और वो अभी हमें बता रहे हैं. ओके, तो ये ऑलरेडी घटना हो चुकी है. देन पिया वांट का वांटेड, मतलब वो चाहती थी, उसने मांगा था. वांटेड टू हैव अ बाउल ऑफ स्वीट एंड सॉसी सोप. ओके, देन आई आस्क, आस्क का पूछना, ईडी लगता है. आई आस्क फॉर सम फ्राइड राइस एंड चिल्टी चिकन. मॉम एंड डैड ईट का इट बिकम्स एट, एटीई. ओके, एट सम गार्लिक चिकन एंड वेजिटेबल नूडल्स. आफ्टर लंच वी वॉक्ड. ओके, वॉक बिकम्स वॉक्ड, ईडी. अक्रॉस टू अ कियोस्क इन द कॉरिडोर वेयर वी बाय, बाय बिकम्स बॉट, बी ओ यू जी एस टी. ओके, बाय का पास्ट टेंस होता है बॉट. सम आइसक्रीम मॉम से, से बिकम्स सेड. ओके, सेड शी वॉन्ट, वॉन्ट बिकम्स वॉन्टेड. ओके, चॉकलेट चिप आइसक्रीम इन अ कप. पिया सिलेक्ट, सिलेक्ट बिकम सिलेक्टेड. हम सभी जगह पर यहाँ पर वर्ब दिए ब्रैकेट में, उनका पास्ट टेंस यूज करें. अ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम इन अ कोन. ओके, देन डैड हैज बिकम हैड. डैड हैड अ कोल्ड कॉफी विथ वैनिला आइसक्रीम. आई इंजॉय, इंजॉय बिकम्स इंजॉयड. ओके, ईडी. ईटिंग माई बटर स्कॉच आइसक्रीम इन अ वेफल कोन. By the time we reach becomes reached, ed. Reached home it was 6 o'clock in the evening. Okay, so in this way we have
use simple past tense form of the verb. That is the second form of the verb. All right. Now let's move to the page number 46. Now we are on page number 46, dear friends. Let's do number B. Write both forms of the simple present tense of these verbs used in the poem. Simple present tense की जो भी हमने form use किए वो हमें लिखना है. So simple present में play and plays होता है. Okay, plural के साथ में play और third person singular के साथ में plays. Yes, yes, yes लगता है. All right. So play और plays use करते हैं simple present में. Simple past में it becomes played. ठीक है. Then we use write, writes. ओके सिंपल प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस में ये रोड हो जाता है. देन हैड है पास्ट टेंस में तो इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक तो हैव यूज करते हैं और हैज यूज करते हैं. इसका पास्ट होता है हैड. फिर टूक है तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम टेक यूज करते हैं या तो फिर टेक्स यूज करते हैं. ऑलराइट. देन रीड, रीड का हम रीड ही रहता है एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में रीड्स होता है. पास्ट टेंस में ए रेड हो जाता है इसको लेकिन स्पेलिंग इज द सेम. देन कॉट, सी ए यू जी एस टी कॉट. सो ये कैच का है. कैच में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैच यूज करते हैं एंड कैचेस. ओके. देन कॉल्ड, CALL कॉल कॉल्स पास्ट टेंस कॉल्ड. डग, डिग DIG डिग एंड थर्ड पर्सन के साथ में डिग्स. किक्ड, kick, kick and kicks, CK, yes. Scored, scores, score and scores. तो इस प्रकार से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में verbs यूज करते हैं. ओके. सो वी हैव जस्ट सीन हाउ टू मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस इन टू वेज वी कैन यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. वर्ब का हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो तरीके से यूज कर सकते हैं. एक तो विदाउट यस ईएस आईएस वाला फॉर्म और यस ईएस आईएस वाला फॉर्म. ओके. उसका सिंपल पास्ट भी हमने देखा. नाउ लेट्स मूव डियर स्टूडेंट्स टूवर्ड्स द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है हम तब यूज करते हैं जब वो क्रिया भूतकाल में मतलब पास्ट में उस समय चल रही थी मतलब शुरू थी, है ना. कुछ समय पहले वो क्रिया चल रही थी या शुरू थी यह दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों हम ing का प्रयोग करते हैं. वर्ब के साथ में हम ing लगाएंगे. द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस दैट वर गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम प्रयोग तब करेंगे जब हमें बताना है कि एक पर्टिकुलर खास समय के समय पर वो क्रिया चल रही थी, वो एक्शन हो रही थी. एट 7 दिस मॉर्निंग राम वॉज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क. आज सुबह मॉर्निंग में 7 बजे राम दूध पी रहा था. वो क्रिया उसकी 7 बजे चालू थी. हिज सिस्टर्स वर गेटिंग रेडी फॉर स्कूल. उसकी बहनें स्कूल के लिए तैयार हो रही थी. मतलब ये क्रिया चालू थी, अभी है नहीं. नाउ हमें इसमें वाज यूज करना है. सिंगुलर के साथ में वाज प्लस ing यूज करना है एंड प्लूरल के साथ में हमें यहाँ पर वर प्लस ing यूज करना है. लेट्स डू इट. Fill in the blanks with the past continuous forms of the verbs given in the bracket. The Kumars had a party at their house yesterday. Before the party, a lot was happening at their house. They. अब हमें past continuous tense use करना है दोस्तों. So they plural के साथ में हम was use करेंगे या were. So हम use करेंगे were. Okay, they were. फिर गेट का हो जाएगा आईएनजी लगेगा तो गेटिंग. इसमें दे वर गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी. मिस कुमार, ओके मिस कुमार शी सिंगुलर सो वाज. कुक बिकम्स कुकिंग. ओके आईएनजी लगेगा. कुकिंग द डिनर मिस्टर कुमार वाज सिंगुलर है तो वाज आएगा. प्लूरल होगा तो वर आएगा. हेल्पिंग हर ग्रैंड मदर, अगेन ग्रैंड मदर इज सिंगुलर सो वाज making. Okay, grandmother was making a salad. Grandfather was put becomes putting. Okay, यहाँ पे spelling बराबर नहीं आ रही, आप बराबर लिख लीजिएगा. Snacks into small glass bowls. Pia is singular. Okay,
So again, was, take becomes taking. Taking the balls into the drawing room, she was playing. प्लेस होगा तो प्लेसिंग, ई निकल जाएगा, आई एन जी लगेगा. देम ऑन द साइड टेबल्स नियर दी सोफाज राम. अब राम सिंगुलर है, सो अगेन वॉज, सेट बिकम सेटिंग डबल टी. ओके, द टेबल, एवरी वन, ओके, वॉज गेटिंग रेडी टू हैव अ नाइस इवनिंग विद देयर फ्रेंड. ओके, सो इन दिस वे वी हैव डन the examples of past continuous tense. दोस्तों, past continuous tense में हम was और were इस helping verb का प्रयोग करते हैं और main verb में हम ing लगाते हैं. Okay, this is the past continuous tense. Now let's do it. Go one step forward, एक step और आगे बढ़ते हैं और simple past के बारे में जानते हैं, past tense के बारे में जानते हैं. Did is the simple past tense form of do. Okay. So do का simple past tense form होता है did. So अब देखते हैं हम किस प्रकार से negative बनाते हैं और question बनाते हैं. Use did plus a verb to make question in the past tense. मतलब past tense में अगर यदि हमें question बनाना है तो हम पहले did का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में जब did लगाते हैं उसके बाद में main verb का प्रयोग करते हैं. हम past tense का बिल्कुल use नहीं करते. Okay. क्योंकि did ये already past tense में है. So one example, did Harry help you to carry the library books? Okay. So दोस्तों, negative बनाते वक्त या question बनाते वक्त particularly जब did लग जाएगा sentence में तो जो V2 है, जो simple past tense form है, वो V1 में convert हो जाएगा. Let's move to the exercise, page number 47. Okay. Let's do it. Okay. I hope you can see easily. You are able to see it. Okay. Complete these questions with did plus a verb from the word box. Let's do it. Now, we have some verbs. Stay, come, bring, make, come over. Okay. Come over. Okay. Now, दोस्तों, हमको क्या करना है? Actually, question जब भी बनाएंगे, हम did सामने में आएगा और did के बाद में वो subject आएगा और उसके बाद में verb आएगा. जब भी did sentence में use होगा, तो आने वाला वर्ब ये हमेशा V1 होगा, मतलब मेन वर्ब होगा. सो सबसे पहले आएगा, हमें क्वेश्चन बनना है, डिड आंट उमा ओके कम ओ यस्टरडे. यहाँ पे कम ओवर आएगा. ओके, यहाँ पे जगह नहीं है. फिर से सेकंड में, डिड योर कजिन केतन कम विथ हर. ओके, क्या उनके साथ में आएगा? फिर से डिड लगेगा. कितना इजी है, डिड अंकल ओमी ब्रिंग देम इन हिज कार. फिर से डिड लगेगा, क्वेश्चन की शुरुआत डिड से होगी. डिड दे स्टे फॉर डिनर, मतलब क्या वो रुकने वाले हैं. ओके, रुकने वाले थे. देन डिड, फिर से डिड योर मॉम मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर. सो दोस्तों, आपने देखे होंगे कि वाइल मेकिंग क्वेश्चन वी हैव फूड डिड इन फ्रंट ऑफ. ओके, सबसे बिगिनिंग में डिड आएगा, उसके बाद में वो सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में आप देखोगे कम कम ब्रिंग स्टे एंड मेक, ये सभी वी बनेगा. जब भी सेंटेंस में डिड का प्रयोग होगा तो आने वाला वर्ब ये हमेशा मेन वर्ब होगा. ओके, ऑलराइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ओके, सो नाउ I hope you have understood the use of simple past tense, past continuous tense, and how to make question from past tense. Okay, so we will talk more about the past tense, the use of past tense, and how to make negative and more questions. Okay, in the next period. Till then, see you and do study at your home. Bye.